नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कीगल एक्सरसाइज बताऊंगा, जो कि आप लोगों के पैल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। साथ ही आप लोगों की ये जो मसल्स है, यानी कि हिप का जो एरिया है या लोअर बेली का जो एरिया है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो आप लोगों को पैल्विक पोर्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो प्रॉब्लम का फेस आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। साथ ही आप लोगों के पैल्विक पोर्शंस पर ब्लड फ्लो बढ़ने से आप लोगों को बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, और आप लोग समझते हैं कि ये सभी डिजीज़ जो है वो ब्लड फ्लो के बढ़ने से आप लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। तो अगर बहुत सारी महिलाओं को भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे पुरुषों को भी प्रॉब्लम होती है पैल्विक मसल्स के सही तरीके से काम नहीं करने से, तो ये पैल्विक मसल्स हैं। और जो आप एक्सरसाइज करते हैं या हम लोग कार्डियो वर्कआउट्स करते हैं, उन सभी से एक ब्लड फ्लो होता है, और उन ब्लड फ्लो से पैल्विक पोर्शंस पर ब्लड फ्लो बढ़ने से आप लोगों के लोअर बैली तो रिड्यूस होती ही होती है, साथ ही आप लोगों की थाइज स्ट्रांग होती है, आप लोगों का ग्लूट्स जो है वो भी स्ट्रांग होते हैं, और पैल्विक पोर्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं और पुरुषों को, वो सही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहली एक्सरसाइज को आप लोगों को ऐसे करना है, और इसके कोई भी आप लोगों का काउंटर नहीं है, इसके लिए आप लोगों का कोई भी आप लोगों को सेकंड काउंटर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों को सीधा मैट बिछाना है और दोनों हाथ जो है वो आप लोगों को गर्दन के पास, यानी कि सर के पास लेकर जाने के बाद आप लोगों को सीधा जो है अपनी पूरा का पूरा जो है अपने आप को उठा देना है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो गर्दन जो है वो जस्ट नीचे की ओर है, जस्ट आप लोगों के कमर की साइड की ओर है, और बैली जो है वो कैसे स्ट्रेच हो चुकी है, हिप्स जो है वो ऊपर की ओर जो है वो स्ट्रेच हो चुके हैं, पेल्विक जो बोन्स हैं उस पर आप लोगों का ब्लड फ्लो बढ़ेगा, डाइजेशन पावर भी इससे इम्प्रूव होता है। और ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों को स्ट्रेच करती है आप लोगों की स्पाइन को, आप लोगों के बैक मसल्स को, और साथ ही आप लोगों के ब्लड फ्लो को नीचे से ऊपर की ओर एक सर्कुलर मोशन में लाती है। तो ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर कीजिए, और उसके बाद आप लोगों को लेना है 10 सेकंड का रेस्ट, और इसमें आप लोग जो है एक योगा कर सकते हैं। योगा के लिए आप लोग प्राणायाम आजमा सकते हैं, ओम का जाप कर सकते हैं, ओम चैंटिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरी एक्सरसाइज अगर आप लोग पैल्विक पोर्शन के लिए देखें, तो इसमें आप लोगों को एक जो पैर है उसको आगे बढ़ाते हुए घुटना मोड़ते हुए आगे की ओर रखना है, और दूसरा पैर जो है यानी कि लेफ्ट लेग आप लोगों को सीधा रखना है। अब आप लोगों को दोनों हाथ जो हैं वो ऊपरी दिशा में रखने हैं, अपने जस्ट सर के ऊपर से ऊपर रखने हैं, और ये पोजीशन आप लोगों को होल्ड करके रखनी है। आप हाथ जो है वो जस्ट कमर के पीछे भी रख सकते हैं, और हाथों को आप लोग जो हैं अपने सर के ऊपर भी, दोनों को पैरेलल पोजीशन पे भी रख सकते हैं। इसको आप लोग 40 सेकंड तक करना है, होल्डिंग जो है आप लोगों की 40 सेकंड तक होनी चाहिए। तो इससे भी आप लोगों का पैल्विक बोन जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती है, वहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो अच्छा होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक इवन अच्छा होता है। 10 सेकंड का रेस्ट आ चुका है, गैप आराम दे लीजिए। इसके बाद में हम लोग सुपरमैन पोज की ओर चलते हैं। सुपरमैन एक्सरसाइज जो है आप लोगों के बैली के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आप लोगों की हिप्स जो मसल्स होती है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और साथ ही आप लोगों को एक स्ट्रेंथ देती है, एक पावर देती है, जो आप लोगों के बैली को रिड्यूस तो करती ही करती है, साथ ही आप लोगों के जो हिप्स की जो सर्वी होती है वो भी बहुत जल्दी रिड्यूस करती है। तो इससे आप लोगों का पैल्विक पोर्शन का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा, और इस एक्सरसाइज को करना भी आसान है। पहले तो उल्टा लेट जाइए मैट के ऊपर, उसके बाद में दोनों हाथों को फैलाते हुए अपनी गर्दन को उठाइए, उसके बाद में अपने पैरों को भी थोड़ा बहुत उठा लीजिए सरफेस से, तो एक यू शेप जो है आप लोगों की बॉडी की बन जाएगी। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग 40 सेकंड्स तक कीजिए। उसके बाद में आप लोग जो है नॉर्मल पिजन पोज कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को आराम मिले, तो वो रेस्टिंग टाइम है, इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, सिंगल लेग स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रिज एक्सरसाइज। इससे भी पैल्विक पोर्शन का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, और साथ ही आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक भी अच्छा होता है, और इसमें आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती हैं, लोअर बैली की जो मसल्स हैं वो भी अच्छी तरीके से काम करती हैं। तो ये एक्सरसाइज करना भी आसान है। दोनों हाथों पहले तो सीधा लेट जाइए, उसके बाद में दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए। अब एक जो पैर है उसको एकदम सीधा उठा लीजिए, और दोनों हाथ जो हैं आप लोगों को धरातल पर रखने हैं, सरफेस पर रखने हैं। अब अपने पैर को, अपना जो हिप्स है उसको ऊपर की ओर उठाना है, तो पैर जो है ऊपर की ओर उठ जाएगा, तो उससे आप लोगों का पैल्विक पोर्शन का जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा।
अब आप लोगों को रेस्ट लेना है और रेस्टिंग के बाद आप लोगों को करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जिसको हम लोग कहते हैं फुल ब्रिज एक्सरसाइज। ये फुल ब्रिज एक्सरसाइज जो है फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज है। ये आप लोगों के पेल्विक पोर्शन को ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाने में आप लोगों की मदद करती है। इसमें आप लोगों को क्या करना है मैं बताता हूँ। दोनों हाथ जो है वो सरफेस पर रखने हैं और जब आप लोग हिप्स को ऊपर की ओर पुल करते हैं तो उसमें आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों के जो हिप्स हैं वो स्ट्रैच होते हैं और स्ट्रैच होने की वजह से आप लोगों के जो पेल्विक बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी टाइट होती हैं, स्ट्रॉन्ग बनती हैं और वो स्ट्रॉन्ग बनने से आप लोगों का पेल्विक पोर्शन का जो ब्लड फ्लो है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगता है। इससे फ़ायदा आप लोगों को मिलता है कि आप लोगों का पेल्विक जो पोर्शन है वो अच्छा होने लगता है, स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। अब आप लोग थोड़ा बहुत ओम चैंटिंग कीजिए, थोड़ा सा आराम आप लोगों को लेना है और आराम के अंदर आप लोगों को ओम चैंटिंग से बेहतर आराम आप लोगों को नहीं मिल सकता, तो आप लोग वो कीजिए। उसके बाद में हम लोग चलते हैं फॉरवर्ड लेग ब्रिज हम लोग करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, उल्टा पैर तो आप लोगों को घुटना मोड़ते हुए आप लोगों को सरफेस पर रखना है और सीधे पैर जो है उसका जो हिस्सा है, सीधे पैर का जो पैर है उसको आप लोगों को थाइस पर रखना है। अब आप लोगों को दोनों हाथ जो है वो सरफेस पर रखने हैं और उसके बाद में आप लोगों को अपने हिप्स को ऊपर की ओर पुश करना है। अपने हिप्स को जब आप लोग ऊपर की ओर पुश करेंगे तो आप लोगों के हिप्स जो है वो स्ट्रैच हो जाएंगे और स्ट्रैच होने की वजह से आप लोगों का जो लोअर बैली जो पोर्शंस है उसमें ब्लड फ्लो जो है वो तेज़ गति से बढ़ने लगेगा। ऐसा करने से आप लोगों को फ़ायदा ये मिलेगा कि आप लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक अच्छा होने लगेगा, तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग ये कर लेते हैं तो। इससे आप लोगों का पेल्विक पोर्शन का जो ब्लड फ्लो वो बढ़ेगा और साथ ही आप लोगों को जो पुरुषों को जो प्रॉब्लम्स होती है या महिलाओं को जो प्रॉब्लम्स होती है उससे छुटकारा आप लोगों को मिल सकता है। नंबर सेवन्थ एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इसमें आप लोगों को ब्रिजेस तो एक्सरसाइज करनी ही है। इसमें आप लोग देखिएगा कि जो पैर है वो आप लोगों को एक ऊंचाई पर रखने हैं, तो आप लोग अगर आप घर पे सोफ़ा है तो उसका सहारा आप लोग ले सकते हैं। दोनों हाथों को सरफेस पर ही रखना है और अपने हिप्स को आप लोगों को सोफे की जो ऊंचाई है उस तक आप लोगों को लेकर जाना है, तो इससे भी आप लोगों का जो ब्लड फ्लो है वो पैरों से जस्ट जो है वो बैली की ओर आता है और वहाँ का जो डाइजेस्टिव ट्रैक अगर आप लोगों का बिगड़ा हुआ है तो वो ठीक होता है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं अपने बैली को रिड्यूस करने के साथ साथ अपने पेल्विक पोर्शंस का जो ब्लड फ्लो है उसको बढ़ाने के लिए। इसके बाद में आप लोगों के पास 10 सेकंड का काउंटर लगा हुआ है, आप लोगों को पता है रेस्टिंग टाइम है, तो उसमें आप लोग ओम चैंटिंग कर सकते हैं, कुछ स्ट्रेचेस वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी नंबर 8 एक्सरसाइज में। ये ब्रिज है प्लस आप लोगों को इसमें कुछ वेट रखना है अपने पेल्विक पोर्शंस पर या हम लोग कहें लोअर बैली के पोर्शंस पर। ये करना कैसा है, अपना कुछ भी वेट यानी कि एक बोतल आप लोग पानी की भरे, उसके बाद में अपना दोनों हाथ जो है वो अपने लोअर बैली की ओर ले जाते हुए उस पर रख लीजिए, ठीक है। अपनी ये कहें कि जो लोअर पार्ट है आप लोगों का उस पर आप लोगों को ये थोड़ा बहुत ऊपर रखना है यानी कि बैली के जस्ट नीचे। इसमें क्या होगा, आप लोगों को जब ये उठाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत वेट लगाना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हो जाएगी एक टाइप की और आप लोगों के जो जो स्ट्रॉन्ग है आप लोगों की जो पेल्विक है बोन्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इससे बनने लगेगी। अब रेस्ट टाइम चल चुका है, रेस्टिंग टाइम में ओम चैंटिंग से बेहतर जैसा कि मैंने कहा कि कुछ नहीं है तो ओम चैंटिंग कीजिए और रेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों के पास हलासन या हम लोग कहें आप लोगों का शोल्डर पोज या हम लोग कहें आप लोगों का डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छा करने वाला पोज, जिसको बहुत बार जो है एथलीट्स भी दोहराते हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, पेट को अच्छा रखना है। पेट को अच्छा रखने के लिए आप लोग दोनों हाथों से अपने पैर को टाइप कीजिए, उसके बाद में दो राउंड आप लोग लगाइए, जैसे कि ये राउंड एक राउंड लगाया, ये दूसरा बार राउंड लगाया, उसके बाद में आप लोग हलासन कर सकते हैं, तीसरा राउंड भी आप लोग लगा सकते हैं, चौथे राउंड में आप लोग हलासन के लिए पीछे की ओर जा सकते हैं। ये देखिए, इसमें अगर आप लोगों से हो तो करना, अदरवाइज़ नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को ज़बरदस्ती किसी एक्सरसाइज को नहीं करना है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इतने अच्छे वीडियो बनाते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा, जितने आप लोगों से दिए जा सके उतने ज़रूर लाइक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।